दोस्तों क्या आप स्टूडेंट और क्रेडिट कार्ड की तलाश में हैं? तो दोस्तों आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको बताने वाले हूँ कैसे अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी आप क्रेडिट कार्ड को हासिल कर सकते हो। तो सत श्री अकाल, नमस्ते और हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके चैनल टेक विद सिंह पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कैसे आप सब क्रेडिट को अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ना ही कोई सैलरी की जरूरत पड़ेगी आपको। तो दोस्तों वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बैंक्स हैं कि जो स्टूडेंट्स को लोन या स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं, पर दोस्तों चुनिंदा बैंक्स है जो आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्रेडिट कार्ड देते हैं, जैसे कि SBI हो गया या HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया। बहुत ही गिने चुने बैंक है जो आपको क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो दोस्तों आज ऐसी क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला जो कि है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों एक कार्ड है जो कि SBI स्टूडेंट प्लस एडवांटेज क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको साइड इसकी देने वाला हूँ कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स और फीचर्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस एंड चार्जेस, क्यों आपको ये लेना चाहिए, क्यों आपको ये नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों बात करो इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स की, सबसे पहले दोस्तों इसमें जो आपको लिमिट मिलने वाली है वो है 15,000 रुपये तक की। तो 15,000 का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि आपको 10,000 भी मिल सकती है, 13,000 भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बात करूँ वैलिडिटी की दोस्तों, तो इसमें अक्सर जो क्रेडिट कार्ड्स आते हैं उनकी जो वैलिडिटी होती है वो है 3 साल, पर ये क्रेडिट कार्ड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो दोस्तों इसमें आपको जो वैलिडिटी मिलने वाली है वो है 5 साल तक की। बाकी दोस्तों बात करो इसके फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसमें डुप्लीकेट अगर आप इसमें निकलवाते हो कार्ड, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। नॉर्मली दोस्तों 100 रुपये 150 रुपये चार्जेस पड़ते हैं। बात करो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की, तो ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंटेशन की नहीं जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको इसमें कोई सैलरी स्लिप दिखानी, ना ही आपको अपनी कोई इनकम प्रूफ दिखाना है। अब दोस्तों बात करो फीस की, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको बताना। दोस्तों इसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ अगर आप ट्रांजेक्शन कर देते हो या इतनी अमाउंट आप खर्च देते हो, जो कि मैं आने वाले 20 वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आपकी जो एनुअल फीस है वो हो जाएगी वेव ऑफ, जो कि आपको सेकेंड ईयर से पड़ती है। अब दोस्तों एक्स्ट्रा इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ, अगर दोस्तों आप 10x रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप डिपार्टमेंटल या किसी भी दोस्तों ग्रॉसरी स्टोर पर आप शॉपिंग करते हो, तो उसकी 2.5% जो दोस्तों अमाउंट होगी आपको वापस मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इसमें आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप इंटरनेशनल स्पेंड करते हो। और एक बात और आपको बताने वाले दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, टोटल 224 मिलियन इनके पास आउटलेट्स है जहां पे आप इस क्रेडिट कार्ड के यूज कर सकते हो और ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ कैश विड्रॉल की, तो इसमें आप दोस्तों अपनी 80% तक की जो कैश विड्रॉल है जो लिमिट है आपको मिलती है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ, इससे आप रेलवे टिकट्स भी बुक कर सकते हो, ऑब्वियसली दोस्तों बिल पेमेंट्स भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपने EMI पे किसी चीज़ को कन्वर्ट कराना है तो आप इसको कर सकते हो, बट मेक श्योर उसकी जो वैल्यू है वो 2500 से ऊपर की होनी चाहिए। और दोस्तों जिस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करा सकते हो EMI पे, वो है फ्लेक्सी पे। तो आपको बैंक से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा उसको दोस्तों, फ्लेक्सी पे के द्वारा, फ्लेक्सी पे की ऐप है उसके द्वारा दोस्तों आप जो अपनी EMI है, जो आपने कोई चीज़ लिया उसको EMI पे कन्वर्ट कराना है, आप उसको करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों फ्यूल सरचार्ज आपको पता है 1% आपको सरचार्ज पड़ेगा, बाकी वो आपके ऊपर आपने डलवाना है नहीं डलवाना है। मेरे अकॉर्डिंगली मैं आपको कहूँगा कि आप मत डलवाइएगा पेट्रोल। बाकी दोस्तों ये थे इसके बेनिफिट्स। अब मैं अगर बात करूँ दोस्तों इसके फीस एंड चार्जेस की, दोस्तों इसकी जो इश्यूएंस फीस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इस क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आपको इश्यूएंस चार्जेस लेने के चार्जेस बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। बात करो दोस्तों एनुअल फीस की, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है एनुअल फीस जो आपको पड़ती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करो दोस्तों रिन्यूअल फीस की, दोस्तों रिन्यूअल फीस आपको इसमें पड़ने वाली है 500 रुपये, बट एक तरीका है दोस्तों अगर उसको आपको हटाना है, अगर आपने उसको नहीं देने, तो वो दोस्तों ये कि आपने एक साल के अंदर अंदर आपने 35,000 से ऊपर आपने ट्रांजेक्शन करनी है एक साल के अंदर, तो जो आपकी रिन्यूअल फीस है 500 रुपये की जो आपको सेकेंड ईयर में पड़ने वाली है वो आपको नहीं पड़ेगी। एड ऑन कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी दोस्तों जो इसको इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलता है वो है 20 से लेकर 50 दिन का, जो कि लगभग आपको हर एक क्रेडिट कार्ड पर मिलता है। फाइनेंस चार्जेस दोस्तों जो आप इसको आप पे पढ़ने वाले हैं वो है 2.25%। नॉर्मली दोस्तों 3% होता है, 2.5% होता है, पर इसमें आपको पढ़ने वाले 2.25%। और दोस्तों जो मिनिमम अमाउंट आपको इसमें जो देनी पड़ेगी दोस्तों वो है 5% टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस का, मिनिमम दोस्तों 200 रुपये, और इन हर एक चीज़ पे दोस्तों GST सर्विस टैक्स आपको पड़ने वाला है। अब दोस्तों बात करूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना। सबसे पहले दोस्तों आपकी 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड को लेना है। उसके बाद दोस्तों आप कॉलेज, अगर आप कॉलेज में हो, बेशक अभी आपने ज्वाइन किया है आपका फर्स्ट ईयर है, तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 10th में हो, 12th में हो, तो दोस्तों आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है।
अब दोस्तों बात करूँ डॉक्यूमेंटेशन की, सबसे पहले दोस्तों आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा दोस्तों आपको आइडेंटिटी कार्ड चाहिए जो कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उनसे दोस्तों आपको लेकर इनको देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपको अपना रेजिडेंस का प्रूफ देना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी पड़ेगी, और सबसे जरूरी बात दोस्तों आपका पैन कार्ड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें सैलरी स्लिप्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको दोस्तों अपने को इनकम टैक्स के रिटर्न्स दिखानी है। आपका पैन कार्ड होना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो दोस्तों जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा, 5 या 10 दिन के अंदर भी ऑनलाइन अगर आप अप्लाई कर दो तो आपका जो पैन कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। दोस्तों बात करूँ कैसे आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हो, दोस्तों टोटल 3 या 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका दोस्तों ये कि अगर आपकी बैंक हिस्ट्री अच्छी है, बेशक आप स्टूडेंट हो, तो आप इस क्रेडिट को अवेल कर सकते हो। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आपके इन बैंक के जो ये SBI का बैंक है इनकी कोई भी ब्रांच पे अगर आपका FD चल रही है तो, और आपके नाम पे FD होनी चाहिए, तो भी आप इस क्रेडिट की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपका इस बैंक में अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है एजुकेशन के नाम पर तो भी आप इस क्रेडिट को अप्लाई कर सकते हो। और एंड में दोस्तों अगर आप के पेरेंट्स अगर आप 18 साल से कम हो और अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई कार्ड है क्रेडिट कार्ड तो वो आपको एड ऑन कार्ड दिलवा सकते हैं SBI का, जो ये मैंने आपको बताया स्टूडेंट प्लस एडवांटेज क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों ये 4 तरीके हैं जिनके थ्रू आप इस क्रेडिट कार्ड को हासिल कर सकते हो। अब दोस्तों होप करूंगा कि आपको इस जो मैंने आपको डिटेल्स बताया वो सारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर दोस्तों आपने अप्लाई करना आप कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंगली दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड ओके है, क्योंकि देखो दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड अगर आपकी यूसेज है तो आपको लेना चाहिए, बट अगर आपकी यूसेज ज़्यादा नहीं है ठीक है, आप अपना जो गुजारा कर सकते हो, आपको मॉम डैड से ज़्यादा पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो या अगर पड़ती है तो वो आपको टाइम टाइम मिल जाती है, तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर ऐसे सिनेरियो तो आप मत लीजिएगा। बट अगर आपको जरूरत पड़ती है, छोटा मोटा काम होता है, कॉलेज की फीस देनी पड़ती है, आप हॉस्टल में रहते हो, तो आप एक क्रेडिट कार्ड को जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों अब होप करूंगा कि आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर दोस्तों इसको लाइक करिएगा, और पसंद आए तो शेयर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो पे, धन्यवाद।